आप देख रहे हैं एपी 100 टीवी लाइव। बल्लभगढ़ 27 जुलाई हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी दीपक बावरिया ने बल्लभगढ़ में नारी न्याय चौपाल में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उनके साथ कांग्रेस घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री गीता भुक्कल ने चौपाल को संबोधित किया। नारी न्याय चौपाल को संबोधित करते हुए दीपक बावरिया ने कहा कि महिलाओं से जुड़े मुद्दों को कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। भाजपा के कुशासन से सबसे ज्यादा महिलाएं परेशान हैं। पूरे प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या सुरक्षा के मुख की तरह बढ़ रही है। नशाखोरी में हरियाणा पंजाब से आगे निकल गया है। महंगाई की मार से हर वर्ग परेशान है। सरकार ने जानबूझकर लोगों को पेंशन और बीपीएल कार्ड काटे हैं। हमारी सरकार आने पर सबको 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे और गरीबों के बीपीएल कार्ड बनाए जाएंगे। सरकार आने पर जो स्कूल बंद किए गए हैं उन्हें दोबारा खोला जाएगा और रोजगार परक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। कांग्रेस की सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम करेगी। महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। महिलाओं को हरियाणा सरकार की नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाएगा। पंचायत व स्थानीय निकायों में जनप्रतिनिधियों को सशक्त किया जाएगा। पुलिस वाले, प्रशासनिक अधिकारी और मंत्री और विधायक सब मिले। आपके साथ सबसे बड़ी मार बहनों के प्रॉपर्टी में महंगाई की मार होती है। हर तीसरे महीने के बच्चे कहते हैं मामा हमारी स्कूल फीस बढ़ा दी है और 50 रुपया जोड़ना पड़ेगा और 100 रुपया जोड़ना पड़ेगा। पहले से परेशान है कि ये बच्चे का पूरे घर के परिवार का 15000 रुपये की आमदनी है, उसमें से ये बच्चे का 3000 का खर्च तो आ रहा है और उसमें फिर हर महीने 300 का खर्च जाना पड़ा। बड़ी आपत्ति होती है। अगर ये सरकार कांग्रेस के जमाने में वो था कि हर जगह पे फ्री शिफ्ट वाली स्कूल रखी जाती थी जिसके गरीब से गरीब बच्चा भी शिक्षा प्राप्त करता है।